माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी जोन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? अब तो रमज़ान भी एंड पर है और 2 से 3 दिनों में इंशाल्लाह ईद भी आएगी। दुआ है कि ये ईद सबके लिए खुशियों भरा पैगाम लेकर आए, बीमारों को शिफा और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और साथ ही साथ हमारी जो सरों के ऊपर ये वबा आई हुई है पूरे मुल्क में दुनिया पे, इसको ख़त्म कर दे, बीमारों को शिफा दे, हमारी जायज़ मुरादों को कबूल व मंजूर करे, आमीन सुमामीन। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो होने वाली है ग्लोइंग और वाइटनिंग मास्क के रिलेटेड। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक पाउडर शेयर करूँगी, काशगरी सफ़ेदा के नाम से ये पाउडर है। अगर जो लोग यूज़ करते हैं इसको स्किन वाइटनिंग के लिए उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बताती चलूँ, ये हर्बल पाउडर है, आप लोगों को पंसार स्टोर से इजीली मिल जाता है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि इसके स्किन रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करता है, आप लोगों को पंसार स्टोर से मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग किसी ऐसे पंसार को जानते हैं जो कि 100% प्योर चीज़ें रखता हो तो लाजमी उन्हीं से लीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग इसको कॉस्टली फरोख्त करते हैं और उसकी वजह से लोग इसमें मिलावट भी करते हैं। आप लोगों को इसका जो प्योर होगा उसका इस तरीके से पता चलेगा कि ना तो इसकी कोई स्मेल है, और ये जब पानी में हम लोग मिक्स करते हैं तो ये पानी में बैठ जाता है, मिक्स भी नहीं होता, और इसकी जो कंसिस्टेंसी या जो आप टेक्सचर कह लें वो बिल्कुल चॉक की तरह है, यानी जिस तरीके का चॉक पाउडर होता है उसी तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी या टेक्स्चर होता है, और ये बहुत पाउडरी फॉर्म में हाथों पे लगता है जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और जितना इसका कलर वाइट है उतने ही इसके बेनिफिट्स हैं, मैं आप लोगों को बेनिफिट्स भी साथ साथ बताती चलूँगी। सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तो ये मास्क हम लोग जो आज रेडी कर रहे हैं वो यूज़ होगा हमारी स्किन वाइटनिंग, स्किन ग्लोइंग के लिए, उसके साथ ही साथ हमारी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ को भी सॉल्व करेगा। सबसे पहले जो यहाँ पे यूज़ होगा काश्मीरी सफ़ेदा रोज़ वाटर, और यहाँ पे मैंने दही लिया हुआ है 1.5 चम्मच। आप लोगों की स्किन टाइप के लिहाज से आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। आप लोग रॉ मिल्क यानी कच्चे दूध में भी बना सकते हैं, पानी के साथ भी बना सकते हैं, रोज़ वाटर के साथ भी बना सकते हैं, और दही के साथ भी बना सकते हैं। मुझे क्योंकि कर्ड या ये दही बहुत अच्छा सूट करता है और ग्लो अफेक्ट भी आता है इसकी वजह से, तो मैं कर्ड में इसको बनाऊंगी। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट के साथ है और इस इंस्टेंट रिजल्ट के साथ है। आप लोग एक दफ़ा लगाएंगे और आप लोग देखेंगे इसका इंस्टेंट रिजल्ट है, यानी फर्स्ट यूज़ के बाद ही इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और जब आप लोग इसको रेगुलर होकर यूज़ करेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। 1 स्पून था मेरे पास योगर्ट, और यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच लिया है काश्मीरी सफ़ेदा का, और यहाँ पे मैं रोज़ वाटर के 2 से 3 पंप डाल रही हूँ, क्योंकि कर्ड वैसे ही आप लोगों की स्किन के ऊपर ग्लो लाता है, दही काश्मीरी सफ़ेदा आप लोगों की स्किन के ऊपर ग्लो वाइटनिंग लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ना भी यूज़ करूँ तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं हमेशा हर फेशियल में हर मास्क में यूज़ करती हूँ, इसीलिए मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप लोग यूज़ करना चाहें वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोग अपने हाथों पे या अपनी फेस पे लगाएं, जहाँ पे भी आप लोग इसको लगाना चाहिए, फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो अगर आप लोग इसको फुल बॉडी मास्क भी लगाना चाहें आप लोग वो भी लगा सकते हैं। 2 से 3 मरतबा आप इसको अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टाइम सूखेगा दोबारा लगाएंगे, फिर सूखेगा दोबारा लगाएंगे, यानी 3 लेयर आप लोग इसकी लगाएंगे, और इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद आप लोग इसको उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने 3rd स्टेप हो गए हैं कम्प्लीट, यानी 3 लेयर मैंने इसकी लगा चुकी हूँ, अब इसको मैं ड्राई होने दूंगी, तब तक आप लोग इसके बेनिफिट्स जाके देखें। जो लोग इस पाउडर को यूज़ करते हैं उनको इनके बेनिफिट्स का पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ। ये आप लोगों की स्किन के एक्नीस को भी सॉल्व करता है, यानी आप लोगों की सीबम प्रोडक्शन जो होती है। आजकल तो हम लोग वैसे ही रमज़ान में अफ्तार में ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, इस वजह से हमारे स्किन में सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये आप लोगों की सीबम प्रोडक्शन यानी ऑयल को कंट्रोल करेगा और आप लोगों की एक्नी को भी ट्रीट करेगा। तो इसका पाउडर बहुत ही अच्छा है, आप लोग लाजमी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, इंस्टेंट रिजल्ट देता है, वाइटनिंग भी देता है, ग्लोइंग भी देता है, और साथ ही साथ आप लोगों की स्किन रिलेटेड इश्यूज को भी सॉल्व करता है। डेली बेसिस पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश में भी ऐड करके आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश में चुटकी सी डाल के आप लोग फेस वॉश करें, इससे आप लोग इसका रिज़ल्ट देखेंगे, इंस्टेंट रिज़ल्ट के साथ है। जिन लड़कियों की ईद के बाद शादी है फैमिली में या उनकी खुद की शादी है, वो इसको लाजमी ट्राई करें, दिन में 2 से 3 मरतबा भी ट्राई कर सकते हैं, दही में, कच्चे दूध में, पानी के साथ, रोज़ वाटर के साथ, एलोवेरा जेल के साथ आप लोग इसकी रिज़ल्ट देखेंगे। यहाँ पर मेरा मास्क बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको बेड स्पंज के साथ साफ करूंगी और आप लोग इसके रिजल्ट देखें।
बेसिकली मेरा आप लोगों के सामने जो डेमो होता है वो करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप लोग ये ना समझे मैं कोई रेमेडी बनाती हूँ तो उसको बिल्कुल ज़ाया कर देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। वो रेमेडी मैं यूज़ करती हूँ, वो रेमेडी मैं पहले भी यूज़ कर चुकी होती हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ग्लोइंग और वाइटनिंग इफेक्ट आया है, जबकि दूसरे हाथ में थोड़ी सी डलनेस है लेकिन इस हाथ में थोड़ा सा ग्लो भी आ चुका है और वाइटनिंग भी आ चुका है। सिर्फ इस मास्क की वजह से मैंने मैक्सिमम इसको 5 मिनट लगाया, आप लोग 5 to 10 मिनट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें तो आप लोग 5 मिनट भी लगाएं तो वो बहुत काफ़ी होगा आप लोगों की स्किन के लिए। लाजमी इसको ट्राई करें। आई एम डैम श्योर कि आप लोग अच्छे से अच्छा फेशियल, कॉस्टली से कॉस्टली फेशियल भी भूल जाएंगे इसके सामने, क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट के साथ है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने करना है शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि आप लोगों के मुँह से निकली हुई दूसरों के लिए दुआ भी कबूल हो जाती है। कोई वक्त कबूलियत का होता है तो लाजमी दूसरों को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।